हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष माननीय सुख सागर मिश्रा मधुर जी ने मोहल्लों की पतली गलियों में ट्रैक्टर ट्रॉली न पहुंच पाने से सैनिटाइजर का कार्य नहीं हो पा रहा था। आज सैनिटाइजर की छोटी मशीनों से शहर के हर बोर्ड में हर गली में सैनिटाइजर का कार्य होगा। सैनिटाइजर कार्य में लगे कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता प्रशांत दीक्षित। आज नगर पालिका ने द्वारा आज गलियों का सैनिटाइजेशन कराने का काम मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले ये काम हमारे सफाई नायकों द्वारा छोटी मशीनों के द्वारा घरों में किया जाता था। अब हम लोगों ने 7 वार्डों को चयनित किया है कि प्रत्येक दिन 7 वार्ड जो है कि हर गली के अंदर वो हमारी खेलिया पहुंचेंगी। खेलिया के माध्यम से उसमें सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। मैं शासनकारी जो अस्वस्थ हैं उसके बावजूद भी वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही अपने नगर पालिका के सभी सभासदगण उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो भी इस भीषण महामारी में जनता का सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने सभी सफाई नायकों का और उन कर्मचारियों का जो निरंतर इस सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज जैसे 100% का सैनिटाइजेशन किया जाएगा रोडवेज बस अड्डा, रेलवे बस स्टेशन, रेलवेगंज और उसके साथ ही साथ महाविद्यालय जो वहां पर जो कोविड सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हम शमशान घाट और कब्रिस्तान में भी सैनिटाइजेशन का काम प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। मेन रोडों पर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और जो गलियां हमारी थी, मैं अपने जनता से अपील करता हूं जब आपके वार्ड में हमारी ये गलियां जाएं उसको सैनिटाइजेशन का काम कराते रहें। इस भीषण महामारी में केवल एक ही रोकथाम की जरूरत है कि मास्क लगाना जरूरी है। घर से अगर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तो मास्क लगाकर निकलें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन के कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भीषण महामारी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।